रक्षाबंधन आ गई है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक बहुत प्यारा सा हॉल शेयर किया जाए, जिसमें आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ एथनिक वेयर एंड वेस्टर्न वेयर के ऑप्शन। आई होप आपको पसंद आएंगे। एंड गाइस, जितने भी आउटफिट हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है, अमेज़न पे स्टार्ट होने वाली है 23 जुलाई से प्राइम डे सेल, तो ये प्राइम मेंबर्स के लिए 23 से है, और वैसे आपको 24 से सेल देखने को मिल जाएगी। 24 को प्राइम डे सेल है, काफी बड़ी सेल है, बेस्ट टाइम है कुछ परचेज करने के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आने वाले फेस्टिवल के लिए कुछ भी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस सेल में बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट आउटफिट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है आज के हॉल में से गाइस, क्योंकि है ना ये मैंने अभी परचेज नहीं किया है, ये मैंने थोड़े टाइम पहले परचेज किया था, जब मेरा रोका हुआ था अमेज़न से परचेज किया था मैंने फ्रॉम दी ब्रांड बीबा। एंड ये बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट सा कुर्ता सेट है। अगर आपको कोई भी फेस्टिवल में इसे स्टाइल करना है, बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये स्टाइल करने के लिए। और इसका कलर ब्लश पिंक कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुर्ते से स्टार्ट करती हूँ। ये बीबा से है तो क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी को लेके आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। बहुत प्यारा सा ये आपको ब्लश पिंक कलर का इसमें कुर्ता देखने को मिल जाएगा। इसका डिजाइन भी आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आपको ना थोड़ा ऊपर से मतलब यहाँ से कट देखने को मिल जाएगा, बस साइज के थोड़ा सा नीचे पार्ट से यहाँ पे आपको कट देखने को मिलेगा। एंड ये बहुत प्यारी कुर्ती इस तरीके की है, ब्लश पिंक कलर में है, पूरे पे आपको इस तरीके का सिल्वर फॉयल प्रिंट देखने को मिल जाता है, बीच बीच में गोल्डन भी किया हुआ है, व्हाइट कलर का कुछ भी प्रिंट किया हुआ है। फ्रंट कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके की स्लीव्स है जो कि बहुत प्यारी है। अगर मेरे पास ना मेरे रोके वाले सेरेमनी की हाँ पिक्स अवेलेबल है, एक दो पिक्स है, ज्यादा नहीं है, मैं साइड में आपको अटैच करूंगी। मैंने यही वाला सूट पहना था एंड सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा पीस है, फॉर एनी फेस्टिवल एनी फंक्शन आप इसे स्टाइल कर सकते हो। बैग भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, सिल्क फैब्रिक है, बिल्कुल लाइट वेट है एंड बहुत प्यारा सॉफ्ट सा सिल्क फैब्रिक है जो कि रिच एंड क्लासी लग रहा है। तो इसमें इस तरीके का प्लाजो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा प्लाजो है, इलास्टिक वाला है, पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल रहेगा। ये भी आपको ब्लश पिंक कलर में देखने को मिलेगा, पूरे पे इस तरीके का जो है फॉयल प्रिंट सेम काम किया हुआ है। साइड में मैं आपको ट्राई करूंगी नेचुरल लाइट में इसका फुल लुक देने का, ऊपर टेरिस पे जाके शूट करने वाली हूँ मैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आप इसका कलर देखना, इसका डिजाइन देखना, बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत अमेजिंग है ये। नीचे की साइड आपको इस तरीके की पाइपिंग देखने को मिल जाती है एंड बहुत कंफर्टेबल सा पीस है। और साथ में आपको मिलता है बहुत प्यारा सा इस तरीके का ब्लश पिंक कलर का ही शिफॉन का दुपट्टा, बिल्कुल प्लेन है, बस यहाँ पे ना गोटे की डिटेलिंग दी हुई है साइड में पाइपिंग टाइप। तो ये बहुत प्यारा सूट है, मैंने जब इसे पहना था ना मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे, तो मैंने सोचा रक्षाबंधन आने वाली है तो आपके साथ शेयर करना बनता है ये वाला सूट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हाईली और हाईली रिकमेंड करूंगी। इसमें जो मेरा साइज है वो है स्मॉल साइज, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है बहुत ही प्यारी सी एक बोहो ड्रेस जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी आप इस आने वाले रक्षाबंधन में स्टाइल कर सकते हो, क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अमेज़न पे आपको इसके कलर ऑप्शन डिजाइन भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मैंने ये बेज कलर में पिक किया है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, ये बेज कलर में। फ्रंट कुछ आपको इस तरीके का इसमें देखने को मिल जाएगा, पूरे में जरी का काम किया हुआ है, छोटे वाले पॉम पॉम की डिटेलिंग की हुई है, कुछ इस तरीके की इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। मे बी शायद आपको फुल लुक पूरा क्लियर हो रहा होगा, क्वालिटी इसकी क्लियर हो रही होगी, काफी ज्यादा सुंदर है ये। एंड स्टाइल करने के बाद इसका लुक भी काफी अच्छा आएगा और लेंथ भी इसकी काफी ज्यादा एलिगेंट है। ये आपको प्योर कॉटन खादी फैब्रिक में देखने को मिलती है, काफी कंफर्टेबल सा पीस है, स्टाइलिश है, वैकेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, फेस्टिवल एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा है। जो साइज इसमें मैंने लिया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के पिक कर सकते हो। और बैक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत प्यारी सी ड्रेस लग रही थी मुझे, और है ना थोड़ी स्मार्ट भी है, थोड़ी डिफरेंट भी है एंड क्लासी है, तो डेफिनेटली आने वाले फंक्शंस में आप इन्हें इसे स्टाइल करना काफी अच्छा लुक आएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, चलिए मैं पहले बता देती हूँ, ये मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है ये भी मैंने अमेज़न से ली है, इसी को शेयर कर लेते हैं नेक्स्ट।
ये बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल क्यूट सी फ्लोरल प्रिंट ड्रेस है, अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपका बजट इतना है कि आपको इसी प्राइस में ड्रेस लेनी है, प्लस अगर आप चाहते हैं फेस्टिवल में आप अच्छे भी लगे, थोड़ा डिफरेंट भी लुक आए रक्षाबंधन में पहनने पे, और अगर आप वन पीस टाइप कुछ पहनना चाहते हैं तो ये बेस्ट ड्रेस हो सकती है, क्योंकि अभी मानसून का टाइम चल रहा है एंड ये ड्रेस बहुत अच्छी है। इसका जो कलर है वो भी बहुत प्यारा है, ये आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाती है, पूरे में फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है, नेक पे अच्छी खासी डिटेलिंग है, लेंथ अच्छी है, प्रॉपर अंदर लाइनिंग देखने को मिल जाती है, और साइज है इसमें भी मेरा स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। अमेजोन पे आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। बहुत सुंदर लगी ये वाली ड्रेस स्टाइल करने के बाद, बिल्कुल क्यूट सा लुक आने वाला है, एंड इसको मैं आपको हाईली और हाईली रिकमेंड करूंगी। आज के जितने भी आउटफिट है ना, एक से बढ़ के एक है, सारी मेरी चॉइस के हैं। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा कि यार रक्षाबंधन के लिए क्या क्या अच्छा रहेगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही आपके साथ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। तो इनमें से आप कुछ भी पहनोगे ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा फेस्टिवल में। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट सा पीस है। ये साटिन में ड्रेस है। वैसे आप देखोगे ना, साटिन ड्रेस हमेशा थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन है ना ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में अमेजोन पे मिल रही है, एंड ये बहुत सुंदर इस तरह की रेड कलर की साटिन ड्रेस आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल प्लेन है, और इसमें भी कलर ऑप्शन है ना, दो और तीन अवेलेबल है, शायद पिंक कलर भी है। तो अगर आप पिंक कलर लेना चाहते हो तो आप पिंक कलर भी बाय कर सकते हो। मुझे ना ये वाला जो रेड कलर है ये मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये पिक किया, एंड ये काफी अच्छा फैब्रिक है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, थोड़ा अच्छा खासा लुक है। अगर आपको ना पार्टीज वगैरह में भी इसे स्टाइल करना है तो उस अकॉर्डिंग भी अच्छी है, और चाहो तो आप फेस्टिवल में भी इसे पहन सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा क्लासी सा लुक चाहिए, बिल्कुल सिंपल सोबर, वैसे साटिन ड्रेस है ना इवनिंग टाइम में पहनने में अच्छी लगती है। अगर आप कहीं डिनर पे जा रहे हो या फिर अगर आपको कोई पार्टी अटेंड करनी है तो उस अकॉर्डिंग साटिन ड्रेस बहुत ज्यादा क्लासी लगती है, लेकिन है ना फंक्शंस में भी स्टाइल कर सकते हो, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको इस तरह की स्ट्रैपी शोल्डर देखने को मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात है प्राइस अफोर्डेबल है, और आप जगह चेकआउट करोगे ना ये ड्रेस आपको काफी कॉस्टली मिल जाती है। साटिन ड्रेस अगर आप सस्ती लोगे तो वो चीप क्वालिटी सामने की सामने दिखती है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए ट्राई करो, साटिन और शिफॉन दो ऐसे फैब्रिक है जो अच्छी क्वालिटी में ले हो तो ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो आप मत लो, वो ज्यादा बेटर लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये वाली ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर है, और रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है काफी परफेक्ट रहेगी। इसे भी आप ले सकते हो रक्षाबंधन में, काफी अच्छा लुक आएगा। और इसमें भी जो मैंने साइज लिया है ना वो स्मॉल साइज लिया है, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत प्यारी सी मैक्सी ड्रेस है। अगर आपको मैक्सी ड्रेस पहननी है इस फेस्टिवल में रक्षाबंधन में, ये बहुत परफेक्ट मैक्सी ड्रेस है, फ्लोरल प्रिंट में है। ये है फ्रॉम दी ब्रांड फैबली इंडिया, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत नोन ब्रांड है, तो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, एंड सीरियसली पहनने के बाद लुक भी गजब आता है इस ड्रेस का। लेंथ आप देखना मैक्सी ड्रेस है, एंकल लेंथ तक आपकी इजीली आ जाएगी। इसका जो फैब्रिक है वो काइंड ऑफ है ना जॉर्जेट एंड शिफॉन कुछ ऐसा फैब्रिक मिक्स है, एंड क्लासी है एकदम, पहनने के बाद कंफर्टेबल है। इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसका जो नेक लाइन है हाई नेक, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये आपको इस तरीके की प्रिंटेड ड्रेस देखने को मिलेगी, फ्लेयर वगैरह काफी अच्छा है, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है, एंड पूरे के ऊपर इस तरीके का गार्डन प्रिंट किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। साथ में आपको है ना यहाँ पे बैग देखने को मिल जाती है जिसे आपको टाई अप करना है। बहुत अच्छा लुक है इस ड्रेस का भी। अगर आपको वन पीस ही पहनना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्ट लेंथ में नहीं पहनना है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंकल लेंथ से भी थोड़ा सा ऊपर ही आएगा मे बी शायद, या फिर एंकल लेंथ तक, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो इस फेस्टिवल में, काफी अच्छा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, ये भी एक बहुत प्यारा सा सूट है, स्पेशली रक्षाबंधन स्पेशल है, और लेवेंडर कलर तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल ही रहा है। तो आज मैंने कुछ कुछ ऐसे लेवेंडर शेड ही आपके साथ शेयर किया, जैसे पिंक में भी आप देखोगे पूरा लेवेंडर शेड है। ये वाला जो वन पीस था अभी फैबली वाला, ये वाला भी लेवेंडर में था, और जब मैंने ये वाला सूट देखा अमेजोन पे तो मुझे लगा यार अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा सूट है फॉर रक्षाबंधन। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो उस अकॉर्डिंग भी आप बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको खुद को पहनना है तो काफी अच्छा पीस हो सकता है ये।
ये ना इस तरीके का लैवेंडर कलर का कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ती है लैवेंडर कलर की, और यहाँ पे आपको ना इस तरीके की सिल्वर गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पे भी डिटेलिंग की हुई है। इसका जो फैब्रिक है वो रेयन फैब्रिक है एंड कुछ इस तरीके का ये सूट है। अंदर की साइड आपको इसमें प्रॉपर लाइनिंग देखने को मिल जाएगी जो कि कॉटन फैब्रिक की है। तो बिल्कुल प्लेन कुर्ता है, बस यहाँ पे आपको ना डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके की इसमें कुर्ती आई है, साथ में नीचे ना पैंट दी हुई है जो कि इलास्टिक वाली है, रेयन फैब्रिक में ही, पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल पीस है। साइज इसमें भी मेरा स्मॉल है, प्लस साथ में जो इसके लुक को इनहेंस कर रहा है ना वो है इसका दुपट्टा, जो कि आपको पूरा इस तरीके का डिजिटल प्रिंट में दुपट्टा देखने को मिलेगा लैवेंडर कलर में, एंड पूरे में ये सिल्वर बोटा डिटेलिंग की हुई है। यहाँ पे आपको इस तरीके के टैसल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा है ना 2.25 मीटर का दुपट्टा है। इसका लुक भी काफी अच्छा आ रहा है, स्टाइल करने के बाद काफी प्यारा पीस है, एलिगेंट है, स्मार्ट है, पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा पीस है रक्षाबंधन में स्टाइल करने के लिए या फिर गिफ्ट देने के पर्पज से, दोनों ही पर्पज से काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत सुंदर लगेगा स्टाइल करने के बाद। डेफिनेटली आप इसे बाय करो, आउटडेटेड भी नहीं होगा एंड बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट पीस मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो गाइस ये था आज का मेरा रक्षाबंधन स्पेशल हॉल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आज के कलेक्शन में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड गाइस अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं रक्षाबंधन में पहनने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड गिव अवे अनाउंस करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है तो प्लीज मैनेज कर लेना, मैं जल्दी ही गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।